आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसमें से फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं आज राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी 10th क्लास में 11 चैप्टर के अंदर फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है अ स्प्रिंग गेन्स 0.4 जूल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज़ कंप्रेस्ड 0.02 मीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। वॉट इज़ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ऑफ दिस स्प्रिंग। क्वेश्चन में अपने को देखिए क्या क्या वैल्यू गिवन है, पहले वो पुट करनी है। क्वेश्चन में पूछा है अपने से स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, और गिवन वैल्यू है जूल्स में, यानी कि अपने को वर्क की वैल्यू गिवन है, और साथ में कंप्रेस्ड जो होता है वो हम कितना कंप्रेस किया जाता है तो वो हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें के अपने से फाइंड करवाया गया है। तो क्वेश्चन में हम पहले लिखेंगे गिवन वैल्यूज़। तो देखिए बच्चों, 0.4 जूल इसमें वर्क दिया है, तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे गिवन में गिवन वैल्यू जो है, यानी कि W की वैल्यू अपने को क्या दे दी, जूल भी इसकी यूनिट है, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं कि ये वर्क की वैल्यू है 0.4 जूल। उसके बाद कंप्रेस्ड 0.02 मीटर, यानी कि x की वैल्यू अपने को दी है 0.02 मीटर। ओके, मीटर में दिया है तो हमें इसको और चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वॉट इज़ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, तो यानी कि अपने से पूछा गया है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, जो गिवन वैल्यू है वही अपने को रिप्रेजेंट कर देती हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। वर्क का वो फॉर्मूला जिसमें के और एक्स आता हो वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ, के की जगह अपने को फाइंड करना है के, तो के ही रख देंगे। एक्स स्क्वायर इसमें कितना होगा, 0.02 मीटर है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। W की वैल्यू अपने को गिवन है 0.4 जूल, तो यूनिट ना लिख करके हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका। यहाँ पर देखिए हाफ इंटू के मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वायर से, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02। अब यहाँ से देखिए 2 से रिड्यूस भी कर सकते हैं हम, 2 से 0.2 को रिड्यूस करेंगे हो जाएगा 0.01। अब देखिए k मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से देखिए पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो ये हो गया 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे आ जाएगा 100। इधर भी 2 है और 2 के नीचे हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट की डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसमें भी 100 हो गया। इधर लिखते हैं तो 4 से भी हम डेसिमल हटा देते हैं, 4 के नीचे आएगा इसमें 10, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें 1 ही डिजिट है। इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए अपने को k फाइंड आउट करना है, तो k फाइंड आउट करने के लिए इसकी डिवाइड वाली वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई इसके नीचे क्या है देखिए स्टूडेंट, 10 और 100, तो टोटल कितना हो गया मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 दूसरी साइड अपवर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखिए 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2, और 2 इसकी डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 को हम रिमूव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से रिड्यूस करने पर 4 हो जाएगा 2, और k की वैल्यू है वो क्या आ गई इधर 2000। ओके, इसको हम चेंज कर सकते हैं पॉइंट में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर कितनी हो गई 3, और जो 3 न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है, तो k जो है इसमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ मास ऑफ 200 किलोग्राम इज लिफ्टेड बाय एन इंजन टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड्स। यानी कि मास दे रखा ऑब्जेक्ट का 200 किलोग्राम, और उसको लिफ्ट किया गया है एक इंजन से, हाइट है 50 मीटर तक, और टाइम है 10 सेकेंड, और जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन पूछा है स्टूडेंट्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें पावर अपने से नहीं पूछी,
पावर पूछी जाती तब टाइम का इसमें यूज होता, लेकिन इसमें पावर नहीं पूछी है, कैलकुलेट द वर्क डन ही पूछा है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन वैल्यू है, मास इसमें दिया है 200 किलोग्राम, तो यहाँ हम पुट कर देंगे सिक्स क्वेश्चन में एम की वैल्यू हो गई 200 किलोग्राम, केजी है तो हमें मास को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोला है हाइट 50 मीटर, हाइट की वैल्यू है 50 मीटर और 10 सेकंड टाइम है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे हाइट है 50 मीटर और जो टाइम है इसमें वो है 10 सेकंड्स, और क्वेश्चन में अपने से पूछा है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ अपने को जी की वैल्यू भी दे रखी है, ग्रेविटी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्क के जो फॉर्मूले हैं उनमें से देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। वर्क का फॉर्मूला इसमें हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी नहीं लगेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर भी नहीं लगेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, एम जी एच वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब एम कितना है इसमें 200, जी अपने को दे रखी है ग्रेविटी 10 और एच इसमें दे रखी है 50। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 200, 10 और 5 को इनको सॉल्व करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, बाकी 20 इसमें, 1 इसमें 3 और 1 इसमें 4, तो इसमें 40 और लग जाएंगे। इसको हम चेंज कर सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 जूल, और भी अगर चेंज करें तो किलो जूल में चेंज करना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसको हम बाकी का चेंज करते हैं तो 10 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर तो क्या हुआ, ये वर्क की वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में अपने से पावर पूछा गया होता तो पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, डब्ल्यू अपॉन में टी, डब्ल्यू अपना इसमें आया 10, और इसके आगे 40 है, डिवाइड बाय टाइम कितना था इसमें 10 सेकंड था, तो 10 से रिड्यूस कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 10,000 वॉट हो जाएगा। और अगर हमें इसको किलो वॉट में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 10 किलो वॉट इसमें पावर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर पावर पूछा जाए तब तो हम क्या करेंगे, इसको पावर वाले फॉर्मूले में भी पुट कर देंगे, और क्वेश्चन में सिर्फ वर्क पूछा गया है तो इस तरीके से वर्क तक निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पावर तो होगी 10 किलो वॉट और टाइम जो वर्क होगा वो होगा 10 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल इसमें हो जाएगा। हम इसको आगे करना है अलग, पावर को अलग शो करेंगे, वर्क को अलग शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन में अपने दिया गया है कि 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क फॉर 10 आवर्स इन अ होम। क्वेश्चन में देखिए 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क फॉर 10 आवर्स इन ए होम। 5 कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सामान हैं और वो एक घर में 10 घंटे तक चलते हैं। 2 अप्लायंसेस कंज्यूम 200 वॉट ईच एंड 3 अप्लायंसेस कंज्यूम 400 वॉट ईच एवरी डे। उसमें से 2 अप्लायंस की पावर 200 वॉट है और 3 अप्लायंस की पावर है वो 400 वॉट है। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक कंजप्शन ऑफ वन डे, तो वन डे में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिक कंजप्शन मतलब कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मालूम है, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड नोट्स में पढ़ा था, चैप्टर जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर देखा था। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी ई इक्वल्स टू पी इंटू टी वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ लेंगे। तो पहले हम वैल्यू रख देते हैं, गिवन वैल्यू है अपनी सेवन्थ क्वेश्चन में, देखिए टाइम दिया है 10 आवर, फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन है वो टाइम को शो कर रही है। उसके बाद 2 अप्लायंस 200 वॉट के हैं तो पावर इसमें दो जगह निकालेंगे, पहले हम 2 अप्लायंस की पावर हो जाएगी, 2 अप्लायंस कितने के हैं 200 वॉट के हैं तो कितनी पावर हो गई 400 वॉट, और जो 3 अप्लायंसेस हैं, 3 अप्लायंसेस उनकी पावर है 400, एक एक की पावर है 400, तो पावर सेकंड जो 3 है उनकी है 400, तो 3 अप्लायंस की पावर हो गई 1200। अब टोटल पावर निकाल लेते हैं हम,
पी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू से हम पावर निकाल लेंगे कि पांचों अप्लायंस की मिलाकर कितनी हो गई, 400 प्लस 1200, और ये अपने पास आ गया 1600 वॉट। 1600 वॉट के पावर पर डे यूज़ में ली जा रही है और टाइम है 10 आवर तक। अब वन डे में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, वन डे में टाइम लग रहा है 10 आवर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू टी। अब देखिए पावर है इसमें 1600 और वॉट में है, तो वॉट को हमें किस में चेंज करना होता है, किलो वॉट में, तो किलो वॉट में चेंज करने के लिए किसका डिवाइड देंगे हम, 1000 का डिवाइड देंगे। टाइम कितना है इसमें, 10 आवर, टाइम को हमें आवर में ही लेना है और पावर को हमें किलो वॉट में लेना है। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई कितनी, 16 किलो वॉट आवर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 16 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, इजी सा क्वेश्चन है कि टाइम दे रखा है 5 अप्लायंसेस 10 आवर तक चलते हैं, उसमें 2 अप्लायंसेस 200 वॉट के हैं तो दोनों की मिलाकर 400 वॉट पावर हो गई, 3 अप्लायंसेस 400 वॉट के हैं तो तीनों की मिलाकर 1200 हो गई, और पांचों अप्लायंस की मिलाकर के 1600 वॉट पावर हो गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है वन डे की, वन डे में 10 आवर चलता है तो आवर में लेते हैं टाइम, इसमें पावर इसमें 1600 वॉट है तो वॉट की बजाय हमें इसमें किलो वॉट में यूज़ में लेना होता है, तो हम इसमें किलो वॉट में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड देंगे और जीरो जितने कैंसिल हो रहे हैं, 20 यहाँ से कैंसिल, 10 ऊपर से कैंसिल, तो 16 किलो वॉट आवर आ गया, और किलो वॉट आवर यानी कि यूनिट में अगर हम रखें तो 16 यूनिट इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है बच्चों, अ बॉडी ऑफ 40 kg मास मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 m/s, व्हेन अप्लाइंग अ फोर्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 5 m/s, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी। ओके, तो स्टूडेंट्स बच्चों इसमें क्या दिया है, बॉडी का मास दिया है 40 kg, तो हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे कि जो मास है, क्वेश्चन नंबर है ये 8th क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट का मास है वो है 40 kg, फिर क्वेश्चन में दिया है कि वो एक वेलोसिटी से चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 m/s, तो वी की वैल्यू इसमें कितनी है, 2 m/s। ओके, और जो उसके बाद फोर्स उस पर अप्लाई किया गया है, व्हेन अप्लाइंग अ फोर्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 5 m/s, तो बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 m/s, तो दूसरी वेलोसिटी ये v1 ले लेते हैं, इसको v2 से शो कर देते हैं दूसरी वेलोसिटी को 5 m/s से, और वर्क डन हमें पूछा गया है। अब देखिए पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 m/s, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते बच्चों, u से रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ पर u हो गया 2 m/s, और जो दूसरी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v हो गई इसमें 5 m/s, और हमें वर्क पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में वर्क पूछा गया, तो वर्क का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, W इक्वल्स टू mgh होता है, W इक्वल्स टू fs, f cos थीटा s, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और क्या होता है फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये अपने पास फॉर्मूले हैं वर्क के, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या क्या है अपने पास, m है, u है और v है, तो कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों वैल्यू हो, तो वो है अपने पास हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फॉर्मूला हम इसमें पुट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो गिवन वैल्यू है वो इसी से रिलेटेड है, तो w इक्वल्स टू हम पुट करेंगे हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक बार इनकी यूनिट भी हम चेक कर लेते हैं, मास किलोग्राम में होना चाहिए और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो वो है अपने पास हाफ एम की जगह पुट करते हैं 40, वी स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स, तो वी इसमें है 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस यू स्क्वायर, यू है अपने पास 2 m/s, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 40 को रिड्यूस कर देते हैं, ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 21, 25 माइनस 4 किया तो 21 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया 420 joule, यानी वर्क जो है वो कितना करना होगा, 420 joule करना होगा, तो यही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, हमें
जो गिवन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करना होता है। तो हम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फॉर्मूला इसमें यूज़ करके आंसर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 किलोग्राम इज रेज थ्रू अ हाइट 3 मीटर अबव सरफेस। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली हाफ द वे टुवर्ड्स द अर्थ। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया है कि मास है वो 50 किलोग्राम है। तो मास इसका हम लेंगे, एम की वैल्यू है वो है 50 किलोग्राम और इसको हाइट पर उठाया गया है 3 मीटर तक, ये गिवन वैल्यू है। और साथ ही साथ इसमें दिया है क्या, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जी की वैल्यू अपने को दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा यहाँ MgH। और देखिए यहाँ पर 50 है मास और जी है 10, एच है 3। हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सभी ऐसा यूनिट दे रखी है। तो इनको सॉल्व करने पर हुआ 1500 जूल। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई 1500 जूल ऊपर तक ले जाने में। अब देखिए हाफ ऊपर तक यानी कि 3 मीटर की हाइट तक ये ऑब्जेक्ट गया और फिर ये नीचे आ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली हाफ द वे टुवर्ड्स द अर्थ। ये आधे रास्ते में जब आता है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो आपको पता है कि जैसे ही ये नीचे फॉल होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। तो और पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो हाफ ऑफ द वे में कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी, ये हाफ वे है तो हाफ हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कितना होगा, यहाँ पर 1500 का हाफ हो जाएगा 750 जूल। तो जितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है उतनी ही क्या होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हाफ द वे पर आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 750 जूल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे कि जो ऑब्जेक्ट है जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होगी। हाफ ऑफ वे में है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाफ हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी इसके इक्वल हो जाएगी, 750 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस एट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ 2×10⁴ N/m comes to its equilibrium position, calculate how much the spring is compressed. तो इसमें देखिए अपने को दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मास अपने को दे रखा है 8 किलोग्राम और वेलोसिटी दे रखी है पहले। तो मास वेलोसिटी गिवन है, उसके बाद स्प्रिंग कॉन्स्टेंट गिवन है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें वेलोसिटी और स्प्रिंग कांस्टेंट के एक साथ यूज़ होता हो। तो इसलिए हमें पता चल गया, यहाँ से हिंट मिल गया कि दो फॉर्मूले यूज़ होंगे वर्क के। तो फर्स्ट हम रखते हैं 10th क्वेश्चन में, मास गिवन है 8 किलोग्राम, गिवन वैल्यू पुट करते हैं, मास गिवन है अपने पास 8 किलोग्राम। उसके बाद वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो वी की वैल्यू है इसमें 4 मीटर पर सेकेंड। अब पहले हम इसमें वर्क निकाल लेते हैं, वर्क का फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, एम और वी से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 किलोग्राम, वी स्क्वायर है तो दो बार वी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×4, 2 से 8 को रिड्यूस कर देते हैं, ये हो गया 4 को ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4×4 = 16, 16×4 = 64 जूल। यानी कि वर्क कितना करना हुआ, वर्क की वैल्यू यहाँ 64 जूल है। बट क्वेश्चन में अपने से वर्क नहीं पूछा, क्वेश्चन में बोला है कि स्प्रिंग को
कांस्टेंट दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट 2×10⁴ न्यूटन पर मीटर्स का स्प्रिंग कांस्टेंट है, और बाद में वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी पहले वाली पोजीशन पर वो आ जाती है। तो इस पोजीशन पे आने में उसको कितना कंप्रेस होना पड़ा, हाउ मच द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, कितना उसको कंप्रेस किया गया, यानी कि वर्क तो अब अपने पास है ऑलरेडी, हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया, और स्प्रिंग कांस्टेंट अपने पास गिवन है वो है 2×10⁴ न्यूटन पर मीटर, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ओके बच्चों, और वर्क हमने फाइंड कर लिया, और अपने से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करवाई गई है, तो एक्स हम कैसे निकालेंगे, अब अपने को वो फॉर्मूला ध्यान रखना है कि डब्ल्यू का फॉर्मूला कौन सा होता है जिसमें के और एक्स दोनों आते हों, तो वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, W की वैल्यू हम वर्क की वैल्यू रखेंगे 64, हाफ K की वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने पास है क्वेश्चन में गिवन 2×10⁴, और x स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो अब देखिए 2 से 2 यहाँ हम रिड्यूस कर देंगे, इधर बचा 10⁴ x स्क्वायर और इधर है 64, यहाँ x स्क्वायर निकालते हैं तो 64 अपॉन में 10⁴ हो गया, लेकिन हमें x निकालना है तो दोनों साइड हम रूट कर देंगे, x स्क्वायर का रूट करने पर अपने पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू होगी क्या, x स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो इधर हो जाएगा x, और 64 का जब हम अंडर रूट करेंगे और नीचे है 10⁴, तो 64 का अंडर रूट क्या होगा 8, और 10⁴ का रूट करते हैं तो 10⁪, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/100, और ये हो जाएगा 0.08, तो जो x है यानी कंप्रेशन है वो हो गया 0.08 मीटर हो गया स्टूडेंट्स। ओके